नंबर बोलना हाँ बोल दो यहाँ पे राइट साइड में मैम यह सेंटर 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 दे दो फिर बाकी वाले पब्लिश नहीं करेंगे मेरी पिक्चर सेंटर भी देख रही हूँ थैंक यू मम्मी इनको एक पिक्चर चाहिए आप चलो ऑफर की बात मत करो यार अभी की बात करते हैं मतलब फिल्म रिलीज के अराउंड हमारी फिल्म जैसे एक तुषार ने एक मुझे फोटो भेजी थी हमारी ये फिल्म जो है वो टॉर्टोइज है जो सब रैबिट्स के साइड साइड से धीरे 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 करके अभी भी है थिएटर में जिस टाइम स्टार्ट हुई थी उस टाइम हम मुझे नहीं लगता हम लोगों को लगा था कि इतनी देर हम इस तरीके से टिक पाएंगे जिस तरीके से हमने बिगिन किया था बट आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ जितना प्यार इस फिल्म के से मिला है ना अब आज तक मतलब कहीं बाहर जाते हैं तो ऑल द एल्डरली पीपल स्पेशली वो पकड़ पकड़ के जो उन्होंने गले लगाया हम एंड चिल्ड्रन एंड बच्चे बच्चों को मतलब हम जहाँ पे भी जाते हैं आई थिंक सांड किया कि एक ऐसी फिल्म है जिसने इतना प्यार इतना रिस्पेक्ट और पता हम तो हमारी फिल्म सेलिब्रेट करेंगे लेकिन हमारे साथ पूरी इतने लोगों ने फिल्म सेलिब्रेट की है अब तक जब हम जैसे आपसी ने कहा जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं लोग एक्चुअली आके रोक के हमें हमसे सांड की आग के बारे में बात करते हैं और ये हम दोनों के लिए इतनी स्पेशल फिल्म है लिटरली हमारा इट्स लाइक अ चाइल्ड टू अस तो वी गेट वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड और आई थिंक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि तीसरे हफ्ते में फिल्म अभी भी है चौथे चौथे हफ्ते में फिल्म है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग डील मेरे साथ कभी नहीं हुआ है कि मेरी कोई फिल्म चार हफ्ते थिएटर में हो और मतलब मैं तो इतनी इमोशनल हूँ इस फिल्म को लेकर सोच ही नहीं सकता क्या मतलब मुझे मेरा फ़ोन हर रोज़ मैं हमेशा मेरी वाइफ जो मेरी प्रोड्यूसर निधि को बोलता हूँ हर रात को एक मैसेज आता है और हर रात सुबह एक मैसेज आता है क्या क्या पिक्चर है इट्स अ ग्रेट फीलिंग आई एम सो हैप्पी दैट दीज गर्ल्स हैड द गट्स टू डू दिस मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये दो लड़कियाँ थी जिन्होंने पिक्चर बनाया कोई नहीं करना चाहता था और इन्होंने की और आई एम हैप्पी दैट दे आर हैप्पी दैट जैसे भी है पिक्चर ने जो भी किया है जो भी धंधा कर रहा है दैट इज़ side aside but they are happy that they were part of this film that's the most important happy we can't get happier than this but tushar ek sa please unse aap humse pucho wo bahut underplay karte hain happy nahi ek celebrate matlab hum is film ke bare mein baat karna band hi nahi kar pa rahe because duniya baat karna band nahi kar pa rahi hai mujhe ek special pyar hota na mujhe gale lag ke thank you wali pyar hota na wo mila hai wo bhi specially एल्डरली से जो कि काफ़ी हम पिक्चरें करते हैं जो यंगस्टर्स को पसंद आती हैं जो वो लगते हैं बट जब स्पेशली उन लोग वो लोग आके गले लगाते हैं ना कि मतलब ये कितने मैसेज इसलिए आए कि मेरी मदर ने इतने सालों बाद कोई पिक्चर देखी है और इतने सालों बाद काफ़ी लोगों के पेरेंट्स ने स्पेशली बोला है कि ये पिक्चर की टिकट बुक कराओ हम देखना चाहते हैं तो इस तरह के जो मैसेजेस थे वो मेरे लिए भी पहली बार थे मैंने इससे पहले भी बहुत पिक्चरें करी हैं जिसमें लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है बट ये वाला जो प्यार था ना कि माँ बाप बोल रहे हैं कि टिकट बुक करो ये पिक्चर देखते हैं तो वो पहली बार हो रहा है तो वो बहुत स्पेशल कमेंट्स में कुछ पढ़ रहा था तो उसमें से दिख रहे थे कि बहुत दिनों बाद थिएटर में सीटियां बजी है वो मुझे पूछे मेरा क्या है हाँ वो तो मेरा आइडिया था बिल्कुल हाँ या हमने हमेशा लाइक हम हमेशा डिस्कस करते थे कि कमर्शियल पिक्चर बनाएंगे मज़े करेंगे बट या हाँ बहुत बस्ती है विच इज़ आई एम वेरी हैप्पी इनफैक्ट हम जाके थिएटर में खुद देख के जब वो ताली बजा रहे थे हमारे आंसू गिर रहे थे कि यार लोग सीटियाँ हमारे आंसू गिर रहे थे जब हम थिएटर में गए थे देखने ऑडियंस का रिएक्शन विच इज़ ग्रेट विच हमने एक एक्चुअली वी वेंट फॉर अ शो एंड वी सॉ अ मैन विच आई थिंक वाज 89 और 90 इयर्स ओल्ड ही केम विद अ ड्रिप टू सी द फिल्म आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट इन माय लाइफ एंड एक दो लोग जो आके पिक्चर के बाहर जाके बोलते हैं कि यू नो आई एम 60 एंड आई गिवन अप ऑन लाइफ एंड मैं वापस से अपना लाइफ चालू करना चाहता दैट वॉज द फिल्म दैट वॉज वॉट वी वॉन्टेड टू क्या 60 साल पे आदमी का लाइफ डजेंट एंड कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट तो ये बहुत अच्छा है जो भी है हमारे लिए आई एम हैप्पी दैट दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू मेक द फिल्म फॉर एंड आई एम गेटिंग दैट बहुत सारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ही सांड की आग के साथ हुए क्योंकि हम दोनों फीलिंग कुछ और है और स्पेशली देखिए हम मतलब सीटी और तालियां दो दादियों के ऊपर बज रही है उन्होंने जो बड़ा काम किया उसके ऊपर बज रही है तो मतलब
मेरे लिए जब भी मैं सांड की आग के बारे में सोचती हूँ आई गेट ओवरवेल्म. जैसे मैंने आपको कहा मेरा एक अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड है, मेरी नाल अटैच्ड है सांड की आग के साथ. तो बहुत ही इतना फीलिंग ऑफ प्राइड है और जस्ट वी आर जस्ट प्राउड ऑफ द फिल्म. लाइक इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल. आई थिंक जब टी वी पर आएगी आगे जाके जब और भी इतना ज़्यादा मुझे तब मैं रेडी होंगी एक तरह के री रिलीज़ के लिए पिक्चर के, क्योंकि उसके बाद भी जो प्यार मिलेगा वो आई थिंक वो अलग लेवल का ही होने वाला है. ये स्पेशली जो ब्लेसिंग्स मिली है ना इस पिक्चर से वो हमारे को इस पिक्चर के आगे भी काम आने वाली है. एक मुश्किल मैं जब स्कूल में था मेरा प्रिंसिपल बोलता था कि तुषार हिरानंदानी इज़ द वर्स्ट स्टूडेंट, ही कैन नॉट, ही डजेंट डिजर्व टू बी इन द स्कूल. और आज मेरा आज जब मैंने देखा है कि मेरे ये पिक्चर बनाने के बाद मेरे स्कूल के जो फेमस लोगों के नाम में मेरा नाम जुड़ा गया है इस पिक्चर, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. तो मेरे सब फ्रेंड्स बोलते हैं आज मेरा प्रिंसिपल अपने ग्रेव में टर्न मार रहा होगा, कुलाटी मार रहा होगा क्या यार तूने कर दिया ये. मतलब इट इज़ एंड इट्स ग्रेट. ये पिक्चर वी आई ऑल्सो आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस इमेजिन, वी जस्ट वेंट आउट, हमने खाली पिक्चर मजे लिए और पूरा यूनिट जो हमारा था विच वॉज ग्रेट, हमने खाली मजे लेके पिक्चर बनाया. कुछ टेंशन नहीं था हमको, कुछ हमने कुछ सोचा नहीं. 40 days हम बाहर थे और हमने पिक्चर बनाया, बस हमको बहुत मजा आया. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो यार मुझे बहुत सारे थे, एक शायद थोड़ा सा याद आता क्योंकि उसमें आंखों में आंसू आ गए थे. एक ओल्ड लेडी थी, एक कपल था जो आया था अपनी फैमिली के साथ देखने, जिसमें से अंकल जो थे वो ड्रिप पे थे और उनकी जो वाइफ थी वो आई मेरे पास पिक्चर ख़त्म होने के बाद और वो गले लग के फिर मेरे को उन्होंने बोला कि तुम्हारी माँ ने क्या खा के पैदा किया तुम. सो आई थिंक वो जिस तरीके से उनकी आँख में आंसू थे वो मुझसे ये बोल रही थी, तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल कॉम्प्लीमेंट था जी. आई थिंक मेरे लिए जब हम शबाना मैम ने फिल्म देखी आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही हाई पॉइंट था एज अ एक्टर इन माय करियर, बिकॉज यू नो शी इज़ एन वो इतना मतलब शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन आर कंट्री. और फिल्म से निकल के उन्होंने मुझे तापसी को इतना प्यार दिया और वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज लिटरली वो फर्स्ट ऑडियंस थी हमारी जिन्होंने फिल्म देखी थी, फर्स्ट स्क्रीनिंग के लिए आई थी वो. एंड आई थिंक उनका रिएक्शन इज बाई फार द best thing I've felt in my career so far. Thank you. 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 Th